नहीं कि चेपक स्टेडियम में वो टीम आमने सामने थी जिनके बीच पिछले वर्ष का फाइनल खेला गया था और चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को हराकर अपना पांचवा खिताब जीता था। आरसीबी को हराकर चेन्नई सुपर किंग ने अपने सेशन की शानदार शुरुआत की और घर पर जो है फुल स्पीड से दौड़े। चेन्नई सुपर किंग के तीन बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जिसमें शिवम दुबे ने 51 रन बनाया, रचिन रवि ने 46 रन बनाया और ऋतुराज गायकवाड़ ने 46 रन बनाए। गुजरात के सामने सीएसके ने 207 रन का विशाल लक्ष्य रखा और ये टाइटन्स के विरुद्ध किसी टीम द्वारा तीसरा सर्वोच्च स्कोर है। बल्लेबाजों के बाद बारी आई गेंदबाजों की। दीपक चाहर की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के सामने गुजरात की टीम 8 विकेट पर केवल 143 रन ही बना। ये जो मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग ने 63 रन से जीत लिया। गुजरात टाइटंस को यह टूर्नामेंट में सबसे बड़ी हार है। इस समय अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग टॉप पे है। उनके जो अंक है इस समय टोटल 4 हैं। दो मैच उन्होंने खेले और दोनों ही जीते। इस समय महेंद्र सिंह धोनी की उम्र हो गई है 42 वर्ष और उन्होंने जो है कमाल का कैच पकड़ा। 42 वर्ष के हो चुके महेंद्र सिंह धोनी ने हवा में उड़ते हुए विजय शंकर का कैच लिया। 8वें ओवर में विजय शंकर ने डैरिल मिशेल की गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद जो है विजय के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए पहली स्लिप की तरफ गई, लेकिन धोनी वहां पे तैयार थे। उन्होंने हवा में 2.5 मीटर की छलांग लगाई और कैच को लपक लिया। धोनी के कैच पर जो है पूरा चेपक स्टेडियम झूम उठा। जिस पिच पर चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों ने उम्दा बल्लेबाजी की, उस पिच पर गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। साई सुदर्शन, रिद्धिमान शाह, डेविड मिलर को छोड़ दे तो बाकी के बल्लेबाज जो है 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छुपा। दुबई में हुए पिछले वर्ष नीलामी में सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी समीर रिजवी ने पदार्पण मैच में ही दिखाया कि वह क्या करने में सक्षम है। रिजवी ने 6 गेंदों में 14 रन बनाए। मेरठ के रहने वाले समीर ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। रिजवी भारत की अंडर 19 टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं।